जो उन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए नंगा नाच शब्द का प्रयोग किया। प्रणाम, उम्मीद करती हूं आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, दो तीन दिन पहले रवि किशन जी ने संसद में अपनी आवाज उठाई थी ड्रग्स के बड़े ही तेजी से पैर पसारने को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में। उन्होंने आवाज क्या उठाई, एकदम से हंगामा मच गया। कोई कहता है थाली में छेद कर रहा है, तो कोई पूरी की पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री पर ही उंगली उठा रहा है। मैं कहती हूं कि अगर इंडस्ट्री में कुछ सुधारने की कोई कोशिश कर रहा है या उसके लिए मांग कर रहा है, तो इसमें गलत क्या है? फिलहाल पूरा विश्व जया जी के बातों का जवाब दे रहा है। हो सकता है उनकी मजबूरी होगी, लेकिन मैं फिलहाल अनुभव सिन्हा जी के बातों का विरोध करने आई हूं, जो उन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए नंगा नाच शब्द का प्रयोग किया, उस बात का जवाब देने आई हूं। अनुभव जी, आपको आपकी हालिया प्रदर्शित फिल्म थप्पड़ को लेकर जानते हैं हम लोग, और काफी ऐसा भी सुना है कि आप महिला सशक्तिकरण को लेकर काम करते हैं या उसके लिए लगे रहते हैं। फिर आपने इस तरीके का शब्द कैसे यूज कर लिया? आप तो अपने मातृभाषा को ही गाली दे रहे हैं। जहां तक मैंने सुना है कि आप बनारस से बिलोंग करते हैं और आपकी जो कंपनी है उसका नाम भी आपने बनारस मीडिया वर्क्स रखा हुआ है। बड़ा गर्व भी होता है कि आप हमारे क्षेत्र से आए एक अनुभवी, एक बड़ा नाम लेकर आज वेल स्टैब्लिश्ड हैं। लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गुमनाम भोजपुरी इंडस्ट्री को किसी ने पहचान दिया, दिन रात खटकर खून पसीना बहाकर एक वजूद दिया, तो वो है एक छोटे से जगह से आए रवि किशन जी। भोजपुरी सिनेमा ने बिना किसी सरकारी मदद या भोजपुरी क्षेत्रों से आए लोग के बिना किसी मदद के भोजपुरी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, एक अलग नाम बनाया है, अपना वजूद बनाया। मैं मान सकती हूं कि कुछ एक फिल्में हर एक भाषाओं में वैसी बनी हैं, लेकिन अच्छी अच्छी फिल्मों को भी हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री ने दिया है, जिसके बदौलत भोजपुरी सिनेमा व भोजपुरी के कलाकारों का उनकी वजह से मान है। आपकी इंडस्ट्री में, आपकी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई लोग चुनाव लड़ने जाते हैं और जमानत तक नहीं बच पाती है। हमारी इंडस्ट्री ने दो दो सांसद दिए हैं। दुनिया आपके बॉलीवुड इंडस्ट्री की सच्चाई देख रहा है, चाहे वो सुसाइड हो, हत्याकांड हो या ड्रग्स मैटर हो, सब कोई सब कुछ जानता है। और वही कहते हैं ना कि आप करें तो सब कुछ अच्छा और हम करें तो गंदे हैं। वाह, क्या बात है। अनुभव जी, आपको लोग बुद्धिजीवी जानते थे, पर आप बेशक अच्छा काम करें हमारी इंडस्ट्री के लिए भी, पर दूसरों ने जो किया है उसकी निंदा ना करें, उसको गलत ना बोलें। आपको हक है भोजपुरी के लिए अच्छा काम करने का, अच्छे गाने बनाने का, पर एक बात पूछें, आप तब कहां थे जब भोजपुरी की वैसी स्थिति नहीं थी? आज जब भोजपुरी के दिग्गजों ने काम कर मेहनत कर भोजपुरी इंडस्ट्री को उस लायक बना दिया, तो आज आप जुम्मा जुम्मा चार दिन से आए और भोजपुरी पर उंगली उठा रहे हैं। जब भोजपुरी का व्यवसायीकरण हो गया, जब भोजपुरी की रिकवरीज आने लगी, अगर आप उस समय कुछ किए होते हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, जब कोई नहीं था, जब भोजपुरी बहुत ही गंदे स्थिति में थी, तब मैं आपको साधुवाद देती कि आपने बहुत अच्छा काम किया बॉस। आप तो हमेशा से नेगेटिव बात करते आए हैं, आप पिछले 10 सालों से मोदी जी के भी खिलाफ हैं,
कि मोदी जी की गवर्नमेंट ना आए, पर हुआ क्या, उनकी ही सरकार चल रही है ना। इसलिए अनुभव जी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री जिससे लाखों लोगों की रोजी रोटी चल रही है या 28 करोड़ भोजपुरी भाषियों का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसके लिए आप गलत ना बोलें प्लीज। और आपने जो कहा है उसके लिए आप खेद प्रकट करिए। आज जो रवि किशन जी ने अपना नाम बनाया है वो नंगा नाच करके नहीं बनाया है, हमने या अन्य कलाकारों ने जो अपना नाम बनाया है वो नंगा नाच करके नहीं बनाया है। सबसे पहले आप अपनी इंडस्ट्री को देखें, उसमें झांकिए, उसके बाद किसी और पे उंगली उठाइए, यही कहूंगी। निंदा तब करिए जब आप उस काबिल हों। आपकी इंडस्ट्री में भोजपुरी इंडस्ट्री से ज्यादा नंगा नाच होता है, प्लीज इस बात का ध्यान रखें। धन्यवाद।